प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की आज जयंती है। उन्होंने पेड़ पौधों के जीवन से जुड़ी ऐसी खोजें की जो वरदान सिद्ध हुई। उन्होंने साबित किया कि पौधे भी सजीवों के समान सांस लेते हैं, सोते हैं, जागते हैं और उन पर भी सुख दुख का असर होता है। उन्होंने ऐसा यंत्र बनाया जिससे पेड़ पौधों की गति अपने आप लिखी जाती थी। इस यंत्र को कैस्कोग्राफ कहा जाता है। लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी ने उनके आविष्कार को एक अद्भुत खोज कहा। उन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी मनोनीत किया गया। बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने काफी योगदान दिया है। उन्होंने दिखाया कि पौधों में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक यानी इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, न कि केमिकल माध्यम से। बाद में इन दावों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से सच साबित किया गया। बसु ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्ययन किया था। उन्होंने पौधों पर बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया था। उन्होंने बेतार के संकेत भेजने की प्रक्रिया पर काफी काम किया। सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने वाले वायरलेस उपकरण के आविष्कार का श्रेय भी बसु को दिया जाता है। 1937 में बसु ने पौधों का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। आज संस्थान में अन्य विषयों पर भी शोध किया जाता है। इसके साथ उन्होंने रासायनिक इनहिबिटर्स का पौधों पर असर और बदलते हुए तापमान से होने वाले पौधों पर असर का भी अध्ययन किया। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई। 23 नवंबर 1937 को जगदीश चंद्र बसु का निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।